अब बात यूपी के लेट लतीफ टीचर पर सीएम योगी के हंटर की। दरअसल आज से यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू की गई थी, लेकिन शिक्षकों ने स्कूल से लेकर सोशल मीडिया पर आदेश का बॉयकॉट कर दिया। आज लाखों शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लेट लतीफी पर लगा तो शिक्षकों का संग्राम। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या फिर तबीयत किसी की खराब हो जाए तो हम कहां से, बरसात हो रही है, कहां से हम डिजिटल अटेंडेंस में शामिल हो पाएंगे। डिजिटल हाजिरी पर क्यों मारामारी? महामारी के दौर में जो शिक्षक छात्रों को डिजिटल मीडियम से पढ़ा रहे थे, वही शिक्षक अब अपने लिए लागू डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तस्वीरें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की हैं। प्रशासन के आदेश अनुसार आज से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन के इस आदेश का रियलिटी चेक करने जी न्यूज आज यूपी के कई स्कूलों में पहुंचा। कानपुर, फिरोजाबाद, उन्नाव, सीतापुर और लखनऊ के स्कूलों में कैमरा ने दस्तक दी तो सामने आया कि स्कूलों ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। जितने भी शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं वो स्कूल पहुंचेंगे और जो टैबलेट स्कूलों में दिया गया है उसमें अपने फेस डिटेक्शन करके अटेंडेंस लगाने का काम करेंगे। निर्देश आज से सभी के लिए जारी हुए। हाथ में आप देख सकते हैं मैडम ने काली पट्टी बांध रखी है और काली पट्टी बांध के इस ये जो निर्देश है इसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं और जितने भी संघ हैं, चाहे वो उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो और जो प्राथमिक संघ हो, सभी ने इस बात का विरोध किया है। यूपी में ज्यादातर शिक्षक संघ ने यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इसके पीछे उनकी दलील की लिस्ट भी काफी लंबी है। लेडीज की सुविधा के देखते हुए उन्हें थोड़ी हमें रियायत देनी चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या फिर तबीयत किसी की खराब हो जाए तो हम कहां से, बरसात हो रही है, कहां से हम डिजिटल अटेंडेंस में शामिल हो पाएंगे। टीचर्स की तरफ से शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों को थोड़ी रियायत दी है। पहले टीचर्स को सुबह 7:45 से 8 के बीच डिजिटल हाजिरी लगाने का निर्देश था, अब इसे आधे घंटे बढ़ा दिया गया, यानी 8:30 तक शिक्षक हाजिरी लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि जब सरकार की तरफ से आधे घंटे की रियायत पहले ही दी जा चुकी है, तबियत से लेकर आपात स्थिति के लिए छुट्टी लेने का प्रावधान भी है, तो फिर डिजिटल हाजिरी से दिक्कत क्या है? सरकारी स्कूलों में प्रॉक्सी टीचर का चलन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को टीचर बनाकर पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और जो रियल टीचर होते हैं वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन टीचर्स को दे देते हैं। यानी कि इससे साफ है कि जब डिजिटल अटेंडेंस की तैयारी होगी तो इस पूरे के पूरे गैंग पर, इस पूरे के पूरे सिंडिकेट पर तगड़ा प्रहार होगा। तकनीक के इस दौर में वक्त के साथ कदम ताल कर किसान और रेहड़ी लगाने वाले भी डिजिटल माध्यम से अपने काम को बढ़ा रहे हैं, तो फिर समाज को राह दिखाने वाला शिक्षक इससे दूरी क्यों बना रहा है? अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक खुद इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।